आपको बताएं, हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी आ गई है। पीडीएम का महंगाई के खिलाफ कराची में एहतजाजी जलसे से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। तबीयत की नासाजी, शहबाज शरीफ एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी नुमाइंदगी करेंगे। पीडीएम में शामिल दीगर जमातों के कायदीन और कारकुनान भी एहतजाज में शरीक हैं। अपडेट करें कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी, पीडीएम का महंगाई के खिलाफ कराची में एहतजाजी जलसे से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। तबीयत की नासाजी, शहबाज शरीफ एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी नुमाइंदगी करेंगे। पीडीएम में शामिल दीगर जमातों के कायदीन और कारकुनान भी एहतजाज में शरीक होंगे। अपडेट करें कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी, पीडीएम का महंगाई के खिलाफ कराची में एहतजाजी जलसे से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। तबीयत की नासाजी, शहबाज शरीफ एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। इमरान निजान हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे मजीद उनसे जानते हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप पीडीएम के जलसे के हवाले से? जी बिल्कुल, आज शेर कायद में जो है हुकूमत के खिलाफ तहरीक जो है वो चलाई जाएगी और महंगाई के खिलाफ जो आज पहला जो पीडीएम का जो मुजाहरा होने जा रहा है शेर कायद लीगल चौक सदर पर, जिस पर जो है मौलाना फजल रहमान साहब जो है आशुरका से मुजाहरे में खिताब करेंगे। साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जो है शहबाज शरीफ साहब का जो है आने का था, लेकिन उनकी तबीयत नासाज थी, तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से जो है शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो नून लीग की जानिब से जो है इस मुजाहरे में शिरकत करेंगे। साथ साथ अगर मैं बताऊं तो गहमा गहमी उरूज पे नजर आ रही है। जिस तरह पीडीएम के जो कारकुनान है वो जो है शेर कायद के मुख्तलिफ जो है जगहों से इंटीरियर सिंध से जो है कारकुनान का सिलसिला आना शुरू हो गया है और सब जो है वो जमा हो रहे हैं लीगल चौक पे और 3:30 से 4 बजे के करीब जो है मौलाना फजल रहमान साहब भी मुजाहरे में पहुंच जाएंगे। जी अच्छा, मैं ये बताएगा कि पीडीएम में क्या पीपल्स पार्टी शरीक है, बिलावल भुट्टो का खिताब जो है वो एक्सपेक्टेड है इसमें? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है और उनकी मौलाना फजल रहमान साहब से जो है कल मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी तक इनके मामला जो है आपस में नहीं बैठे कि पीडीएम में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत जो है वो शिरकत करे। जी अच्छा इमरान, ये भी ट्रैफिक के हवाले से थोड़ा बताएगा, क्योंकि अगर जलसा होगा तो यकीन रोड को बंद करना पड़ेगा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर तो नहीं हो रही अभी तक, और शाम का क्या ट्रैफिक डायरेक्शन का कुछ प्लान है? जी बिल्कुल, मैं बताऊं, जब भी कराची में जो है मुख्तलिफ पार्टी जो है वो मुजाहरा करती हैं या जलसा करती हैं तो कराची का जो ट्रैफिक है बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि कराची के जो शाहराह हैं जिसमें शाहराह फैसल हम कहेंगे वो बड़ी मुतासिर होती है। अभी जो आज मुजाहरा होने जा रहा है वो सदर पे होने जा रहा है, जो कराची का जो बिजनेस हब जिसे कहा जाता है, जहाँ पे तमाम मार्केटें मौजूद हैं, ये बड़े डिस्टर्ब होते हैं और जो ट्रैफिक प्लान है वो अभी यहाँ 3:30 बजे जो है वो बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है ट्रैफिक नुमाइश और गुरु मंदिर से होते हुए जो है शारिफ फैसल पे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। जी अच्छा इमरान, ये भी बताएगा कोई टाइमिंग का अभी तक ऐलान किया गया कि मौलाना फजल रहमान जो है वो कब तक जलसे में शरीक होंगे और कब तक उनका खिताब जो है उसकी तवक्को की जा सकती है? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब के जो है मुजाहरे में शिरकत का टाइम जो 3:30 से 4 बजे का कहा गया था, लेकिन अभी जो कारकुनान की जो तादाद जो है इंटीरियर सिंध से आ रही है जिसमें मुस्लिम लीग नून के भी कारकुनान शामिल है, तो कम अज कम मैं कहूंगा कि 5 बजे तक जो है मौलाना फजल रहमान का जो खिताब है वो मुजाहरे में किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया। इमरान निजान आगाह कर रहे थे, हमारे नुमाइंदे थे कराची से।